रोज आपके जीवन में रोज गवाही होगी, रोज हफ्ते बाद आओगे ना तुम, 7 गवाहियां तुम्हारी होंगी। अब मुझे बताओ, जहां पे 10 लोग आएंगे तो 70 गवाहियां होंगी। पहले एक एरिया में मैंने विजिट की, बड़े लंबे समय के बाद में गया, बड़े लंबे समय के बाद, जब जब जैसे जैसे मुझे परमेश्वर का आत्मा गवाही करता है तो फिर मैं विजिट भी करता हूँ। जब मैंने वहां पे मैंने विजिट की, बड़ा पावरफुल परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया, बड़ा पावरफुल। सुनो, वहां पे मैं जितने भी लोग थे, कुछ लोग जो यहाँ पे भी नहीं आते थे, वहां पे उस गांव में एक चर्च है, पास्टर जी आते हैं और लोगों को सुबह 7 बजे कहते चर्च शुरू होती और 9 बजे समाप्त हो जाती। जो 7 बजे शुरू होती है 9 बजे समाप्त हो जाती है तो हमारे पास कौन आएगा? हाँ, 7 बजे शुरू है तो 9 बजे समाप्त है, ऐसे लोग हमारे पास कहाँ आएंगे? वो तो सौखी चीज करेंगे, नहीं करेंगे, 2 घंटे में चलो जी हो गया काम, समझ आ रही है? चाहे दुख में रहे, चाहे प्रॉब्लम जो हो चाहे ना हो, वो सौखा देखते हैं लोग। बोलो क्या देख रहे हैं? वहां पे एक फैमिली मुझे मिली, एक लड़की थी, लंबे समय से उसे टाइफाइड था, उसकी मम्मी को पीलिया का रोग था, और आ तो रहे पर हो कुछ नहीं रहा। कारण है इसके पीछे, हर चीज के पीछे कारण है, और कारण का परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ क्या कारण है। जब कारण का ये मीनिंग हमें मतलब समझ आ गया तो तुम, मैं वहां पे बता रहा था कि ऐसा परमेश्वर ध्यानवान और सामर्थ्य परमेश्वर है कि रोज एवरीडे आपके जीवन में गवाही बननी थी, रोज जीवन में गवाही बनती, पर आपको पता नहीं होता क्या है। सुनो क्या होता है, जैसे संडे आया, कुछ लोग जो संडे आते हैं तो उन्हें संडे इतवार के दिन उन्हें याद आता है हाँ परमेश्वर है, तब वो गवाहियां सुनते हो, उन्हें पता चलता अच्छा परमेश्वर काम भी करता है, अच्छा वचन सुनते हैं, अच्छा ऐसा है परमेश्वर। वो संडे उन्हें सिर्फ ध्यान आता है, कितनों का समझ आ रही, सिर्फ संडे इस बात की उन्हें समझ आती है हाँ परमेश्वर सामर्थ्य है, वो काम करता है जब गवाहियां सुनते हैं, जब वचन सुनते हैं। पर वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो इतना ध्यानवान और इतना सामर्थ्य है कि वो एवरीडे हर एक बंदे के साथ जो उस पर विश्वास करता है, एवरीडे रोज उसके साथ वो काम करता है। लोग आत्मा में नहीं, स्पिरिट में नहीं है, उन्हें मालूम नहीं, पता नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। कितनों को समझ आ रहा, तुम लेना चाहते हो, रोज आपके जीवन में रोज गवाही होगी, रोज हफ्ते बाद आओगे ना तुम, 7 गवाहियां तुम्हारी होंगी। अब मुझे बताओ, जहां पे 10 लोग आएंगे तो 70 गवाहियां होंगी। हमें मैंने कहा 70 गवाहियां 10 लोगों की होंगी, लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। मैं वहां पे कुछ लोगों को ये गाइड कर रहा था कि एवरी डे परमेश्वर काम करता है, एवरी डे रोज आपकी गवाही बनती है, पर आपको पता नहीं है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ नहीं आपकी। बोलो क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, क्योंकि शरीर में चलते हैं। हाँ, बोलो क्या है? जैसे यीशु मसीह मर गए तो चले सब, वो जितना सामर्थ के काम जो कुछ सिखाया वो सब एकदम से भूल गए। हाँ, उसी हिसाब से लोग हैं, संडे आते हैं और सोमवार भूल भी जाते हैं, क्या सुना है, ट्यूसडे मंगलवार बुधवार तो धीरे धीरे तो पता नहीं, फिर जाते हैं संडे। इसलिए संगति इसलिए है कि संगति से हमारा उत्साह बढ़ता। कितनों को समझ आ रहा भाई? मेरे को विश्वास किससे आता है? विश्वास, हम दिन में रोटी कितनी बार खाते हैं? 3 बार। हाँ, सुने कहा उससे ज्यादा जरूरी है किसका वचन?
आप जितना खाएगा उतना ही बलवान होगा, उतना ही तगड़ा होगा, ये आपके ऊपर है। हाँ, अगर आपको, आप आत्मी को आपको समझ है तो आप खा खा कर इतने तगड़े हो जाओगे, इतने बलवान हो जाओगे, लूसीफर भी तुम्हारे सामने आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। सच्ची कह रहा हूं, कमजोर कौन होता है जिसके अंदर होता नहीं बच्चा? क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो सुनो, मैं वहां पे लोगों को ये बात समझा रहा था कि अगर तुम्हें इस सत्य वचन की सच्चाई का अच्छी से तुम्हें मालूम हो, पता हो, तो तुम रोज परमेश्वर से काम लो, छोटी छोटी चीज में ऐसे बोलो, ये वो जे ऐसा काम वो काम। हाँ बोले क्या है? तुम रोज काम लो, रोज काम लो छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ध्यान नहीं होता ना, इतना प्रैक्टिकल लाइफ नहीं, ध्यान नहीं होता तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं संडे जाएंगे, संडे करेंगे। जो कुछ भी तुम संडे सुन रहे हो पूरा हफ्ता प्रैक्टिकल करो। क्या करो? पूरा हफ्ता प्रैक्टिकल करो, रोज काम करो। कितने लोग चाहते परमेश्वर रोज हर रोज मेरे साथ काम करे और हर दिन में मेरी एक गवाही हो, हर दिन में? सच्ची में कह रहा हूं, तुम ध्यान में नहीं रखते, कई बार पूरे दिन में कई चीजों में तुम्हें फेस करना पड़ता है, कई चीजों का सामना करना पड़ता है, कई चीजों में आपको दिक्कत आती है एवरी डे, पर आप भूल जाते हो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो क्या है? आप भूल जाते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग जानते हैं एवरी डे की रोज की एक गवाही चाहते हो, रोज की एक गवाही अपने जीवन में? तो परमेश्वर बनाने के लिए वो सामर्थ्य और आपके साथ रहता है। बस इसे प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल, भूलना नहीं है। बोले, मैंने कहा भूलना नहीं है। जब भी तुम्हें रोज सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखना है इस बात को, आज से इस वचन को याद रखना है, रोज काम होगा, रोज काम होगा, रोज गवाही बनेंगे। आमीन।